वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है। सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर पता होना चाहिए कि इन दो लाइनों का मतलब क्या है, कि उनकी इक्वेशन गिवन होंगी, ठीक है ना। और कौन सी इक्वेशन, नॉर्मली तो वन पॉइंट फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना, वन पॉइंट फॉर्म मिलेगी। जैसे ये रही वन पॉइंट फॉर्म है, और साथ के साथ डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना, दोनों इक्वेशनों के लिए, ठीक है। तो अब जैसे दो लाइन है, ठीक है ना, कि इस तरीके सोच लो कि दो लाइन कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। और हमें पता होना चाहिए कि एक दूसरे के स्क्यू लाइन है, ठीक है ना। अब जैसे लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना, किस तरीके से, सबसे पहले तो पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहां से आएगा पासिंग पॉइंट, ठीक है, जो लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन किसके बराबर होती है, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। कब है ये इक्वेशन, जब एक पासिंग पॉइंट हो और साथ के साथ डायरेक्शन हो, ठीक है ना। मतलब ए वेक्टर का मतलब था ए पॉइंट, और बी वेक्टर का मतलब था यहां पर डायरेक्शन, और लेमडा क्या है, स्केलर है, ठीक है ना, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब सेम बात यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन के पासिंग पॉइंट क्या है, पहली इक्वेशन के पासिंग पॉइंट, ठीक है ना, वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका क्या था, वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशियंट, तो यहां पर इस तरीके से लिख दें, सही बात है ना। और जो इनके कोफिशियंट है, तो कोफिशियंट यहां पर वन जीरो, इस तरीके से। और एक और काम की बात, पैटर्न सेम होना चाहिए, जो ये कोफिशियंट वाली बात अप्लाई कर रही हो, जैसे पॉइंट कोई जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड से बनेगा, ठीक है ना। तो इस बात का ये मतलब है कि सबसे पहले आई कैप का कोफिशियंट लिखना, फिर जे कैप का, फिर के कैप का, इस तरीके से, ठीक है ना। मान लो कभी यहां पर जैसे आई कैप प्लस जे कैप लिखा था, ये लिखाओ तो आई कैप, मान लो कि के कैप प्लस आई कैप लिखाओ, इस तरीके से, ठीक है ना। और इस तरीके से सोचो यहां पर माइनस हो, ठीक है, तो फिर कोफिशियंट क्या होंगे, सबसे पहले तो यहां पर जीरो के जे कैप भी लिखा है, ठीक है, तो यहां पर पासिंग पॉइंट पता है क्या बनेगा, आई कैप का कोफिशियंट माइनस वन, फिर जे कैप का कोफिशियंट, फिर के कैप का कोफिशियंट, इस तरीके से, ठीक है ना। ये चीज काम की है, तो इसलिए पैटर्न सेम वाली बात याद रखनी, ठीक है ना। बस ये कंडीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, लाइन हमने किस तरीके से मानी थी, इसका नाम था ए वन वैक्टर, सही बात है, लेमडा इन टू इसका नाम था बी वन वैक्टर। जैसे यहां पर है दो लाइन की इक्वेशन है, इसलिए a1 a2 नाम दिए थे, सही बात है, इसका नाम था a2 वेक्टर। और जो ये स्केलर के साथ मल्टीप्लाई में, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई में, उसका नाम था b2 वेक्टर दूसरी लाइन के लिए, ठीक है ना। तो बस इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है ना, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, और किसके बराबर था फॉर्मूला, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, a2 माइनस a1, इस तरीके से, ठीक है ना। इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी, ठीक है, किसके साथ, बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू के साथ, इस तरीके से, ठीक है। और डिवाइड में इसी का मैग्नीट्यूड आएगा, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। और ऊपर भी मैग्नीट्यूड आना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूला है। हाँ, यहां पर चॉइस है, ए टू माइनस ए वन लिखो, या फिर ए वन माइनस ए टू लिखो, बात बराबर आएगी, ठीक है ना। माइनस साइन की, माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, और वो कहां एडजस्ट होगा, माइनस साइन इस मॉडुलस फंक्शन में, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो बस इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, किस तरीके से, सबसे पहले ए टू माइनस ए वन, ठीक है ना, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, ये बात बताओ नीचे, यहां पर ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर है, तो दो वैक्टरों का डिफरेंस, एक वैक्टर आएगा, और वैक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर, ठीक है ना, आई कैप जे कैप और के कैप दिखे, सीधी सी बात है, जैसे ये था, ठीक है। तो सेम बात यहां पर, दो वैक्टरों का डिफरेंस कैसे करते हैं, ए टू माइनस ए वन, आई कैप वालों में से आई कैप माइनस करो, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, या फिर पहले ए टू वैक्टर लिख लो जो दिया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है, माइनस का साइन ए वन वैक्टर, तो ए वन वैक्टर ये था, सही बात है ना, इसका नाम था ए वन, तो यहां पर आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप हो जाएगा, माइनस साइन इस पूरे के साथ है, इस वजह से, जितनी भी टर्म है, टर्म का मतलब कैसे पता चलेंगे, बीच में प्लस और माइनस साइन से, तो यहां पर दो टर्म है,
तीन थोड़ी नहीं, अभी इसका यूज थोड़ी ना होगा जीरो के कैप का, ये हमें पता होना चाहिए क्यों नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरीके कैलकुलेशन है टोटली, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आई कैप वालों में से आई कैप वाले माइनस करो, या फिर आई कैप वाले कॉमन ले लो, ठीक है, वो बात एक है। तो टू आई कैप माइनस आई कैप यहाँ पर ये चीज कैंसिल, माइनस के कैप, इस तरीके से ए टू माइनस ए वन आ चुका है इस तरीके से। इससे अगला काम बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर इस तरीके से, ठीक है। तो दो वैक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसी का नाम वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन चेक करना हो, ठीक है ना, एक तो मतलब डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इसका प्रूफ चेक करना हो वो वेक्टर चैप्टर में चेक कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर क्या करो डायरेक्टली आई कैप जे कैप के कैप लिखे, इसके बाद जो पहला वेक्टर है, ठीक है, उसके कोफिशियंट लिखो, उसके कोफिशियंट लिखो किस तरीके से, बी वन वेक्टर ये रहा, कोफिशियंट क्या क्या है, बी वन वेक्टर के कोफिशियंट आई कैप जे कैप के कोफिशियंट टू है, फिर माइनस वन है और फिर वन है इस तरीके से, ठीक है, कोफिशियंट का मतलब मल्टीप्लाई में जो भी, ठीक है ना, इसी पैटर्न से लिखो इस तरीके से। इसके बाद बी टू के लिए जो दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये था बी टू वेक्टर और इसके कोफिशियंट थ्री है, माइनस फाइव है, टू है, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। इसके बाद होगा डेटर्मिनेंट इस तरीके से, और डेटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, यहां पर हम एक्सपेंड करेंगे इस चीज को अलोंग आर वन, ठीक है ना, टोटली कैलकुलेशन है, कहने का ये मतलब है किसके बराबर हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना, आर वन का मतलब है ये है, इसका नाम आर वन। अब ये बात है एक्चुअल में डेटर्मिनेंट चैप्टर से सीख सकते हो, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करो, ठीक है ना, किस तरीके से कैलकुलेशन है, ठीक है, तो आर वन, ठीक है, तो इससे एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले आई कैप इंटू समथिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो किस तरीके से, इसके लिए इसकी रो और इसका कॉलम भूल जाओ, सीधी सी बात है, और जो ये बचे हुए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, माइनस साइन आएगा नीचे से ऊपर जाएंगे, ये चीज है काम की, माइनस साइन आएगा जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, एक माइनस फॉर्मूले की वजह से कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके बाद जे कैप का कोफिशियंट आएगा, जे कैप का कोफिशियंट के लिए क्या करो, जे कैप की रो और कॉलम का मतलब ये सी टू है, ये सी वन, ये बातें में पता होनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसकी रो और इसका कॉलम भूल जाओ, तो बचे हुए एलिमेंट टू इंटू टू की मल्टीप्लाई, माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से जब नीचे से ऊपर जाओगे थ्री इंटू वन, ठीक है, थ्री, फिर के कैप का कोफिशियंट आएगा, ठीक है ना, के कैप के लिए इसकी रो और कॉलम भूल जाओ, तो इनकी मल्टीप्लाई टू इंटू माइनस फाइव, इस तरीके से माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, एक यहां पर पहले से था तो प्लस थ्री, ठीक है, यहां तक सही बात है। और साथ के साथ ये अल्टरनेट साइन वाली बात याद रखनी है, अल्टरनेट साइन का मतलब कुछ इस तरीके से प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये चीज डिटरमिनेंट चैप्टर में थी, सही बात है ना, डिटरमिनेंट ही तो सोल्व कर रहे हो यहां पर, ये सिंबल है किसके, हमें भी तो पता होना चाहिए ना डिटरमिनेंट के, ठीक है, और ये इस तरीके का पैटर्न क्यों बनता है ये डिटरमिनेंट चैप्टर में चेक कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट अप्लाई करो। तो एक्सपेंड किससे किया था, आर वन से, आर वन का मतलब था ये वाली रो, ठीक है ना, जो रो होती है वो ओरिजोनटली होती है, ये बातें पता होनी चाहिए, बेसिक है, ठीक है ना, और कॉलम वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है ना, मतलब ओरिजेंटल का मतलब लेफ्ट से राइट इस तरीके से, और वर्टिकल ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, तो आर वन का मतलब ये था प्लस माइनस प्लस, तो कोफिशियंट यहां पर प्लस माइनस प्लस इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से तीन टर्म आएंगे, कैलकुलेशन टोटली, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना रिजल्ट होगा। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में बी वन क्रॉस बी टू इस तरीके से, ठीक है ना, तो आई कैप का कोफिशियंट, ठीक है ना, माइनस टू प्लस फाइव थ्री, ठीक है, इसके बाद माइनस जे कैप का कोफिशियंट, ठीक है ना, और कैलकुलेशन फोर माइनस थ्री वन, फिर के कैप का कोफिशियंट इस तरीके से, ठीक है, और माइनस टेन प्लस थ्री माइनस सेवन, कैलकुलेशन है, तो इस तरीके से थ्री आई माइनस जे और यहां पर माइनस सेवन के हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ बी वन क्रॉस बी टू का ये तो है वेक्टर, हमें पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर आएगा, वेक्टर का मतलब जिसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप दिखे, सीधी सी बात है,
बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड भी निकालना था, ठीक है ना। तो किस तरीके से निकालते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका था, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो रहा और कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। किस तरीके से, जैसे इस वेक्टर, एक नया वेक्टर है ना ये, हमें पता होना चाहिए, सोच लो दिमाग में सी वेक्टर है कोई, ठीक है, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट एक नया रिजल्ट वेक्टर है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है, सही बात है, ठीक है ना। और यहां पर पॉइंट क्या होगा, वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका, आई कैप जे कैप के कोफिशियंट क्या क्या है, 3 -1 -7, एक डिस्टेंस निकलता दो पॉइंटों के बीच में, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ओरिजन हो जाएगा, सीधी सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना या फिर डायरेक्ट स्क्वेयर रूट के अंदर, ठीक है ना, क्या करो, जो ये कोफिशियंट है इनका स्क्वेयर कर दो, जो ये कोफिशियंट लिखे हुए हैं इनका स्क्वेयर करो, 3 का स्क्वेयर इस तरीके से, प्लस का साइन, -1 का होल स्क्वेयर, प्लस का साइन, -7 का होल, सबसे पहले सभी का स्क्वेयर करो, ठीक है ना, और सभी को ऐड कर दो, कुछ इस तरीके से। एक्चुअल में जो ये यहां पर ये 3 का स्क्वेयर लिखा, एक्चुअल में ये 3 का जो स्क्वेयर लिख दिया ना, इसका मतलब है 3 -0 का होल स्क्वेयर, ओरिजिन से बात कैलकुलेट हो रही है, सही बात है, या फिर 0 -3 का होल स्क्वेयर लिख सकते हो, ये बातें हमें पता नहीं चाहिए क्यों दोनों चीजें बराबर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, ठीक है ना, स्क्वेयर रूट के अंदर 3 का स्क्वेयर, यहां पर -1 का स्क्वेयर, इवन जब भी इवन पावर होना रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। तो यहां पर 1 और यहां पर 7, यहां पर 49, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 59 का स्क्वेयर रूट आ चुका है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, A2 - A1, ठीक है ना, ये तो B1 × B2 है, A2 - A1 वेक्टर निकालना था, किसके बराबर था, i कैप - k कैप, सही बात है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऊपर क्या लिखा था, A2 - A1, ठीक है, ये फैक्टर निकाल लिया, B1 × B2 भी निकाल लिया, लेकिन अभी डॉट प्रोडक्ट होनी बाकी है, ठीक है ना, नीचे B1 × B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये फैक्टर निकाला, ये फैक्टर निकाला, कैलकुलेशन है टोटली और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब होगी डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो सीधी सी बात है, इसका रिजल्ट स्केलर, मतलब कोई नंबर आएगा, सीधी सी बात है, मतलब कोई रियल नंबर आएगा, ठीक है ना, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अब डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्यों है, एक नया वेक्टर है, दो वेक्टरों का डिफरेंस एक नया वेक्टर है, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर है, ठीक है। तो दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आएगा, ठीक है ना। किस तरीके सोल्व करते हो, ऊपर मैग्नीट्यूड एज इट इज, ठीक है ना, बस फॉर्मूला है डायरेक्ट ही, किस तरीके से कि आई कैप वालों के, आई कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 1 × 3, ठीक है, फिर प्लस साइन आएगा फॉर्मूले की वजह से, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आई कैप वालों के, आई कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर जे कैप, यहां पर जे कैप है नहीं, तो 0 × 0, फिर प्लस का साइन, के कैप वालों की मल्टीप्लाई, यहां पर -1 और यहां पर -7, -1 × -7 +7, इस तरीके से, ठीक है। नीचे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर 3 + 7 = 10, तो यहां पर ऊपर एक बात सीखने की, इस फॉर्मूले में ऊपर तो है मोडुलस फंक्शन, ऊपर तो है मोडुलस फंक्शन, जिसका एक्चुअल में नाम होता है एब्सोल्यूट, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मॉडुलस फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 5 का मॉडुलस फंक्शन 5 होता है, -5 का रिजल्ट भी +5 ही होता है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है एब्सोल्यूट, मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरीके से रिजल्ट थोड़ी ना यूज होगा, क्यों, वैक्टर नहीं है, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, रिजल्ट एक स्केलर आना था, नंबर, और नंबर का करना है मैग्नीट्यूड, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए, कहां पर तो ये मैग्नीट्यूड है, सही बात है ना, कहां पर तो मैग्नीट्यूड होगा और कहां पर ये मॉडुलस फंक्शन होगा, बेसिक बातें है, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन वहां पर अप्लाई होगा जहां पर नंबर की बात आई, कोई भी रियल नंबर, इस तरीके से, ठीक है। और डिवाइड में मैग्नीट्यूड निकलेगा दो पॉइंटों बीच में, और जब भी दो पॉइंटों की बात आ जाए दिमाग में आने चाहिए डिस्टेंस या फिर वेक्टर, क्यों, क्योंकि वेक्टर का दूसरा नाम क्या था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सही बात है। और लाइन सेगमेंट की कंडीशन क्या होती है, लाइन सेगमेंट दो फिक्स्ड पॉइंट चाहिए,
मतलब डिस्टेंस की बात आ गई अपने आप, इस तरीके से वेक्टर रिलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 + 7 10, 10 का मॉडुलस फंक्शन 10 ही होगा। मान लो यहाँ पर इसका रिजल्ट अंदर वाले का रिजल्ट -10 आता तो उसका लेना मैग्नीट्यूड, तो +10 हो जाएगा। ठीक है, नाम सेम है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना एक्चुअल में, ऊपर मॉडुलस फंक्शन है। और इसी वजह से यहां पर सिंबल, ठीक है ना, एक्चुअल में तो अब एक बात होता हूं, जो ये इस तरीके से दो पैरेलल कह सकते हो, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, ये हो तो सकता था मतलब दोनों को हटा के, मतलब जैसे a2 - a1 इस तरीके से भी तो लिखा हो सकता था ना, a2 - a1 b1 × b2 इस तरीके से, और नीचे b1 × b2 और सारे का इस तरीके से हो, सही बात है, लेकिन ये चीजें गलत है। सही बात है ना, हमें पता होना चाहिए कहां पर ये मॉडुलस फंक्शन यूज होगा, कहां पर मैग्नीट्यूड निकलता है। ठीक है, तो 10 यहां पर इस तरीके से हमें पता था, लेंथ है, डिस्टेंस है, सही बात है, नेगेटिव होना नहीं, ठीक है, नेगेटिव होगा नहीं, मतलब कोई नंबर होगा, तो नंबर भी कौन सा, 0 या फिर पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।